वेलकम टू माई चैनल बी सिंपल वे मिली। तो पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मेरी वीडियो की क्वालिटी कैसी है। सो आज की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट हॉल। सो लॉकडाउन खुल गया है अब, तो मैंने सोचा कि भाई चीज़ें हमने मंगाना स्टार्ट कर देना है अब। तो मैंने और मेरी बहन ने तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, मतलब कुछ ही नहीं कहा जा सकता। हमारे घर वाले परेशान हो गए हमारे पार्सल को रिसीव कर करके, फॉरगेट इट। सो कौन कौन ऐसा है जिसके पेरेंट्स हमारे पार्सल को ले लेके परेशान हैं, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को हर्ट दे सकूं। सो गाइज़, इस वाले हॉल को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने इस हॉल में कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई मैंने कभी यूज़ नहीं की। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है फ्लिपकार्ट से क्योंकि मैंने अदर वेबसाइट से भी चीज़ें मंगाई हैं। तो अगर आपको मेरे ये सूट अच्छा लग रहा है तो इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मुझे तो इसका इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करना उस लिंक पर क्लिक करके। मेरी सिस्टर का एक यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट करना मत भूलना। और ये जो इयररिंग्स हैं इस पर मैं वीडियो बना दूँगी एक। गाइज़, ये भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदे थे वाली इयर रिंग्स। ये आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ये भी बताना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड मैं इसका दूसरा पेयर मंगाने का सोच रही हूँ। अभी मैंने सोचा नहीं, कंफर्म नहीं किया है कि दूसरे वाली इयर रिंग्स मंगा लूँ इस वेबसाइट से। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं यही वाले दूसरे मंगाऊँ। ये भी आप मुझे ज़रूर बता देना, है ना। बिना टाइम को वेस्ट किए हम फ्लिपकार्ट हॉल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो मंगाया है वो है फ्लिपकार्ट से मिनीसो के डिओड्रेंट। आपको अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर मेरी वीडियोज भी शुरू से देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैं एक ब्रांड का अकेला कुछ नहीं मंगाती हूँ। मैं एक ही ब्रांड की दो से तीन चीज़ें मंगाती हूँ एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ। पता नहीं, या तो मेरी आदत है, क्या है, पागलपन है, कुछ भी कहो, पर ऐसा है। सबसे पहले तो इस जियो की बात करते हैं जो कि मिनीसो की है। मैं मिनीसो के जो स्टोर है वहाँ पर गई हूँ, लेकिन जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था मैं तब गई थी और मुझ में इतनी अक्ल भी नहीं थी जब कि मैं कुछ वहाँ से ख़रीद के लाऊँ। बस हाँ, मैं वहाँ गई थी और आई थिंक मैं कुछ टेडी बियर सा लेकर आई थी, कुछ टॉय वगैरह। मैंने बहुत सारे टॉयज़ ख़रीदे थे वहाँ से, लाइक टेडी बियर हो गया और होता ना एक स्नेक वाली कुछ, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो भी मैं लेकर आई थी। और कुल कॉमन सेंस ही नहीं था कि मुझे कुछ अच्छा लेना चाहिए। वो जो स्टोर था वो लखनऊ में है, जहाँ पे हम मिनीसो के स्टोर गए थे, जो मैं लखनऊ में गई थी, बस मुझे इतना ही पता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि लखनऊ में ना एक सिंगापुर मॉल है जो कि मेरा फेवरेट मॉल है और मैं उस मॉल में अगेन जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर जब गई थी जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो दो से तीन साल हो गए वहाँ पे गए हुए हमें। और तो मतलब था या नहीं भी था हमारा यूट्यूब चैनल, तो हमें उस टाइम फोकस नहीं करते थे हम, या पता नहीं कुछ भी है, लेकिन वो जो मॉल है वो बहुत अच्छा मॉल है। और जब भी हम वो फ़ोटोज़ देखते हैं उस मॉल के हम लोग, तो हमें वो याद आता है कि हाँ हमें वहाँ पर फिर से जाना है, तो मैं उस मॉल में फिर से जाना चाहूँगी। कंटिन्यू करते वीडियो को, बातें बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि मैं एक बार जब बोलना शुरू करती हूँ तो मेरा बोलने का रिकॉर्ड ही टूट जाता है। हम कोई बकवास नहीं करेंगे, हम सीधे काम की बात पे आएंगे। ये है मिनीसो के डियो। तो ये जो डियो है ये काफ़ी इतना पसंद आया मुझे, अब तक का मेरा सबसे बेस्ट डियो है ये। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं बार 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 ख़रीदना चाहूँगी। मैंने अपनी बहन से कहा था कि हम इसके सारे एक एक करके वेरियंट्स मंगाते हैं, लेकिन शी वॉज टेलिंग कि हम ये एक ही मंगा के देखेंगे पहले, क्योंकि वो पहले ट्राई करती है उसके बाद कुछ मंगाती है। एंड मेरा क्या, मुझे सब फ्रीका लगता है, कुछ भी मंगा लो। उसके बाद इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरल है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। जस्ट 90 रुपीज़ में ही आपको मिल जाता है, लेकिन इसका एक ही है फंडा कि आपको इसमें शिपिंग चार्ज देनी पड़ी। मैंने इसमें 80 रुपीज़ शिपिंग चार्ज दिया, यानी कि 280 रुपीज़ के मैंने ये दोनों ख़रीदे हैं, बट इसका जो सिंगल प्राइस है वो 90 रुपीज़ है। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ये है मिनीसो का ट्विंकल स्टोन डिओड्रेंट बॉडी मिस्ट, ये आपको 90 रुपीज़ में 70 ml मिल जाता है। एंड
एक्सपायरी टू मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी जो डेट है वो है इसकी 3 इयर्स। इसका नो एनिमल टेस्टेड है ये गाइज। ये जस्ट एक हॉल है तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरी बातों की वजह से वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका होगा थोड़ा सा। सो ये है, अगर आपको डिटेल में इनका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना ताकि मैं आपके लिए वीडियो लगा सकूँ। सो गाइज ये है नेक्स्ट जो है, ये मैंने मंगाया है मिनिसो के मेकअप पैड्स हैं ये जो। अब ये वैसे तो ये कॉटन पैड्स हैं लेकिन यहाँ पे मेकअप पैड्स लिखा हुआ है तो मैंने मेकअप पैड्स रीड कर दिया है। सो ये कॉटन पैड्स हैं, अगर आप अपने मेकअप को रिमूव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तभी ये यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ इनका वैसे कोई काम नहीं होता। रोज़ वाटर लगाने के काम में आता है, आपके मेकअप को रिमूव करने के काम में आता है, लेकिन यूट्यूबर्स की लाइफ में ये डेली काम आते हैं। और ताकि हम रोज़ डे मेकअप करते हैं, हम रोज़ रोज़ वाटर लगाते हैं, हम उसे रोज़ रिमूव भी करते हैं, तो उसके लिए अच्छा है ये। सॉरी 800 पैड्स निकलते हैं इसके अंदर और ये है जस्ट 150 रुपीज़ का। 150 रुपये में आपको अच्छी खासी प्लास्टिक की ये बॉक्स मिल जाती है और इसका जो ये जो बॉक्स है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल भी ऐसा तोड़ू फोड़ू नहीं है। और मैंने ये भी सोच लिया कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना तो मैं इस बॉक्स का क्या करूँगी, ये आपको देखने को मिलेगा, ये सस्पेंस है अभी। उसके बाद क्या है, इसमें 800 शीट्स हैं, ये कॉटन की हैं एंड ये कुछ मैं ये कुछ इस तरीके से निकलती हैं। अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हो ना तो आपको पता ही होगा कि मैं कॉटन यूज़ करती हूँ, मैं कॉटन पैड्स यूज़ नहीं करती थी। बट कॉटन का यार एक फंडा है मेरे साथ, रोल में से मुझे रोज़ वो निकालना पड़ता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो यार इस पैड का क्या है, एक लिया, रिमूव किया, फेंक दिया, सो बस यही चल रहा है इसका। अगर डिटेल में कुछ जानना हो आपको तो वो कमेंट बता देना, मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। नेक्स्ट जो है वो है मेरी डेली यूज़ आने वाली चीज़। इसमें बस एक गड़बड़ हुई है, कलर कुछ और मंगवाया था लेकिन ये आया कुछ और है, बट क्वालिटी इज़ गुड। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे रिटर्न पे या एक्सचेंज पे लगाना चाहिए था, डालना चाहिए था। तो ये है मेरे मेकअप ब्रशेस, है ना कमाल के, ये देखो। इससे पहले मैंने जो मेकअप ब्रशेस मंगाए थे वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे जो कि मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर के जो मेरे पास हैं, बट ये मुझे डेली ज़रूरत पड़ती है और वो गंदे जो हो जाते हैं ना, यही होता है मेरे साथ कि उन्हें वॉश करने में 10-15 दिन लगा ही देती हूँ। रोज़ तो मुझे खुद को समझाना पड़ता है कि आज तुम्हें अपने ब्रशेस को क्लीन करना है। फिर वो एक दिन तो वो कम से कम मैं उसे शैम्पू में या शावर जेल में भिगो के रखती हूँ। सो ये है मैंने मंगाए 300 रुपीज़ में। 300 रुपीज़ में ये आपको मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मिलते हैं। 24 ब्रशेज़ आपको मिल जाते हैं ये एंड काफ़ी 4 ब्रशेज़ आपको मिल जाते हैं जस्ट 300 रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए ये मस्ट है, मैं आप इन्हें ज़रूर ट्राई करो। एंड मुझे इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें आपको ऑल काइंड ऑफ ब्रशेज मिल जाएंगे, लाइक सारे ही ब्रशेज में हैं। अगर आप फ़ैन ब्रश की बात करें तो आपको बड़ा फ़ैन ब्रश भी मिल जाएगा, आपको इसी में एक सिंगल फ़ैन ब्रश भी मिल जाएगा लाइक इस तरीके से हाइलाइटर के लिए। सो टोटल मेरे पास अब 3 फ़ैन ब्रश हो चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज़ हैं लेकिन मैंने फिर भी मंगा लिए थे ये ब्रशेज़। ये था एक छोटा सा फ्लिपकार्ट हॉल से उगाया था, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट करना मत भूलना बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम पर, उसके इंस्टाग्राम लिंक आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं आज ही मिलूंगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।